नाइटफॉल का असली कारण, साइंटिफिक ट्रुथ क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतः महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। नाइटफॉल यह लोगों को बीमारी जैसा लगता है। लोगों लगता है कि नाइटफॉल है मतलब वो बीमार है। नाइटफॉल को वेट ड्रीम भी बोलते हैं। स्वप्न दोष, सपने में धातु जाना, स्वप्न में वीर्य जाना, नॉक्चर्नल इमिशंस, नाइट इजैकुलेशन, इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन, ऐसे अलग अलग शब्द है। और नाइटफॉल से बहुत लोग ग्रस्त है एक्चुअली। मतलब नाइटफॉल से होता कुछ नहीं है मगर उसकी सोच से बहुत बीमार है। क्योंकि देखो अखबार में या काफी जगह आयुर्वेदाचार्य जो है वो काफी लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि नाइटफॉल बुरा है, नाइटफॉल नहीं होना चाहिए, नाइटफॉल में आपको कमजोरी आती है, नाइटफॉल होने से आप आदमी में रहेंगे नहीं, पुरुष नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह। नाइटफॉल गलत है ऐसा लोगों में एक भ्रम फैलाया जाता है। और फिर नाइटफॉल क्यों हो रहा है कि नाइटफॉल आपने बचपन में गलती की होंगी, आपने हस्तमैथुन किया होगा, फिर आप बहुत ज्यादा कोई सेक्सुअल अब्यूज आपको हुआ होगा इसलिए होता होगा, या आपने पॉर्न मूवी देखी होंगी, या ऐसा कुछ ना कुछ उनको मतलब ऐसा डराया जाता है लोगों को। और डरा के बोले जाता है कि भाई नाइटफॉल हो रहा मतलब अभी आप काम से जाने वाले हैं। लोगों को भी यही लगता है कि भाई नाइटफॉल हो रहा मतलब मेरी शक्ति जा रही है, मैं शक्तिहीन हो रहा हूँ, मेरे को लैंगिक कमजोरी आ रही है, उसको लैंग में कठोरता आना बंद हो जाता है। और फिर वो बहुत टेंशन में, चिंता में, उदासीनता में रहता है और डॉक्टर से डॉक्टर तक निकलते जाता है, घूमते फिरते जाता है कि भाई मुझे ठीक करो। और फिर कुछ गलत डॉक्टर जो है उसका पूरा गलत फायदा उठा लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर हम तुमको मालिश के लिए तेल देंगे, ये दवाई देंगे, पैसा फलाना ढमाका ढिकरा जो भी कुछ है वो बोल के उनको 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए निकालेंगे। और फिर होता कुछ नहीं है, नाइटफॉल तो बंद होने वाला है नहीं और होता भी नहीं। नाइटफॉल ये नॉर्मल प्रक्रिया है। नाइटफॉल लड़कों को होता है वैसा लड़कियों को भी होता है। और नाइटफॉल क्यों होता है कि देखो क्या होता है कि लड़का जो है वो पुरुष बनता है, उसके सेक्सुअल हार्मोन्स तैयार होते हैं। 13-14 साल की उम्र में समझो उसको सेक्स हार्मोन्स अच्छे सिक्रीशन होना चालू हो गए तो उसका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। फिर ये उम्र में और औरत रहे तो उसका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो ये उम्र में होता गया है कि ज्यादा ड्रीम्स, सेक्स ड्रीम्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। फिर सेक्स ड्रीम यदि हो गए, सेक्सुअल ड्रीम, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है दिमाग में, तो फिर उसको एक ऐसा उसको ड्रीम्स आते हैं कि भाई अपन सेक्स कर रहे हैं लड़की के साथ में, बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है जो भी है, और उसमें फिर उसका फॉल हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो सवेरे एक तो वहीं उसी समय जाग आ जाती है, उस लगता है कि अपन ने कपड़े गीले हो गए। कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रिट करते कि पेशाब हो गई, एक्चुअली वो नाइटफॉल रहता है क्योंकि वो कड़क कपड़े हो जाते हैं उसमें बाद में सूखने के बाद में। और फिर नहीं तो सुबह उठ जाते हैं और फिर उनको लगता है कि बहुत बुरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ, अपनी ताकत निकल रही है। लेडीज को भी ये सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि उनका जो वजन है वो गिल्ला हो गया है करके, उनको भी नाइटफॉल होते रहते हैं। तो ये टोटली नॉर्मल है, ये हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से। ये 14-15 साल की उम्र में या जब भी कभी पुरुष बनता है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, वहां से चालू हो जाता है और वो चलता ही रहने वाला है, आखिरी तक मरे तक चलता रहने वाला है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल तो है ही, हार्मोनल सिक्रीशन है, बाकी सब सेक्स लाइफ ठीक चल रहा है तो वो नाइटफॉल होना ही है। तो नाइटफॉल बंद कैसे होता है? नाइटफॉल बंद तब होता है कि जब वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करना चालू होता है शादी के बाद में, या ज्यादा सेक्स हो रहा है, ज्यादा सेक्स के सपने आ रहे हैं तो उसमें शादी के बाद में भी नाइटफॉल हो सकता है। मगर होता है कि फिर जब एक्चुअली सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स के सपने कम आते हैं फिर, और सेक्स के सपने नहीं आएंगे तो फिर नाइटफॉल नहीं होगा। तो ऐसी वो प्रक्रिया है, टोटली नॉर्मल है, कोई भी विज्ञापन के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है किसकी। नाइटफॉल से ना कमजोरी आती है, ना मास्टर्बेशन से आती है, ना सेक्स करने से आती है। वीर्य जाने से कमजोरी आती नहीं है, जितने बार आप वीर्य बाहर फेंकोगे उतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हरदम मजाक से बोलता हूँ लोगों को कि ठीक है तुम्हारा नाइटफॉल में बंद कर देता हूँ, चलेगा? बोलते हाँ नाइटफॉल बंद कर दो। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं फिर नाइटफॉल बंद मैं करूंगा मगर आप पुरुष नहीं रहेंगे, आपकी दाढ़ी जो है निकल जाएंगी, मूछ मूछ निकल जाएंगी, तो आप पुरुष नहीं, नहीं बोले ऐसा मत करो। फिर क्या करो? नहीं नाइटफॉल, मतलब नाइटफॉल कैसे बंद होगा, आपकी दाढ़ी आना कैसे मैं बंद करूं? और बंद करूं भी हार्मोनल थेरेपी देके तो फिर आप पुरुष नहीं रहेगा, उसका क्या है? तो ये समझाने के बाद में उसको ठीक लगता है कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं मेरे को समझ में आ रहा है। मैं ये भी उसको एक मजाक से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई महिलाओं को, स्त्री को महावारी आती है, मेंस्ट्रुएशन होता है ना,
तो फिर उस समय उसका खून जाता है, उस समय काफी खून भी जाता है, तो क्या वो कमजोर होती है? बिल्कुल नहीं होती ना, वो तो 3-4 दिन खून जाने की प्रक्रिया नॉर्मल है स्त्री में। वो नहीं बोलती कि मेरा एमसी बंद कर डालो, ये नहीं होना चाहिए, एमसी जाने से कमजोरी नहीं, नहीं ऐसा होता ही नहीं है। वैसे आदमी का है कि नाइटफॉल होने से कोई कमजोरी आती नहीं है, कमजोर होता नहीं है, सेक्स लाइफ कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, टोटली नॉर्मल प्रक्रिया है, कहीं जाने का नहीं, घूमने का नहीं, और अपना पैसा और टाइम बर्बाद करने का नहीं। तो यह साइंटिफिक ट्रुथ, असली ट्रुथ, यह नॉर्मल प्रक्रिया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सेक्स फिट नाम के वीडियोस भी है, ऑनलाइन कोर्स भी हमारा उपलब्ध है, और कुछ आपको तभी भी कोई सवाल है तो नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।